ठीक है जी सर। गुड मॉर्निंग सर। हो गया सर। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर कैसे लिखना है। आज हम एक एग्जांपल लिख के बताएंगे हाउ टू राइट ए फॉर्मल लेटर, ठीक है। तो तो और सेंटर एड्रेस क्या दिया था मैं एज ए रेसिडेंट ऑफ सुहागपुर, ठीक है। तो यू हैव राइट सुहागपुर सुंदर था नहीं न्यू कॉलोनी सुहान, न्यू कॉलोनी थे सुहान सुसु एस यू एच ओके नो नो सुसु, ठीक है। न्यू कॉलोनी सुहानपुर है, हो गया। लिखना किसको है एड्रेस मतलब मान लो सीईओ क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? देखो दिस इज ओनली द फॉर्मेट व्हिच इज रिकमेंडेड बाय सीबीएसई, हमको बार बार बोलते हैं। और ये जैसे कल बोल रहा था यू आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, ये जो गाइड होते हैं वो बहुत सारे बोर्ड्स के लिए साइमल्टेनियसली प्रिंट करते हैं, वो एक कॉपी पेस्ट करके वो सब बनाते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? टेल मी। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, यही फॉर्मेट रखेंगे, क्योंकि कुछ कुछ सीरियस में जाकर टीचर होता है वो देखेंगे यही फॉर्मेट लिखे कि नहीं, ठीक है। एक्चुअली कुछ कुछ मालूम है, कुछ ऑफिसर्स हैं उनको अगर एक्रोनिम में लिखो शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा उनका नाम तो उनको पसंद नहीं आता है। एक बार हो गया था एक टीचर ने, बता रहा हूँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, टीचर ने लिखा था डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को डीईओ लिख दिया, तो डीईओ बोल के क्या मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ डीईओ लिख दिया तो बेटर होता है। वैसे दिया तो ना जस्ट में बोला कि ऐसे लिखना है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, अब इसके लिए नंबर काटेगा नहीं सी लिखो सच्ची व्यक्ति म्यूनिसिपालिटी, ठीक है। एक ही लाइन मगर मान मान लो यहाँ पर क्या है तो कॉमा लेना है या फिर सुंदरगढ़ म्यूनिसिपालिटी लिख सकते हो, ठीक है। टू पार्ट ऑफ द सेम एड्रेस, टू पार्ट ऑफ द सेम एड्रेस नीचे में इसलिए नहीं लिख रहा मेरे को जगह कम हो जाएगा, ठीक है। तुम नीचे लिख सकते हो नो एड्रेस। अब यहाँ क्या लिखना है सर, उसके ऊपर एक लाइन भी लिख सकते हैं ना म्यूनिसिपालिटी सुंदर का, देखा मैं एक लाइन में लिखा हूँ कमा देखा लिसन सब देखो क्या था लुकिंग फॉर सैनिटाइजेशन ऑफ लोकल मार्केट होगा। हाँ बिल्कुल रिलेटेड टू सीओ आसन को लोकल सैनिटाइजेशन निकालना है। हाँ वेट वेट ना, हाँ रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट क्या मतलब रिक्वेस्ट फॉर अब देखो लेंथ कितना कम हो गया है, अब यहाँ लिखो सर। अब मैं लास्ट में बोला था कि कॉमा देना क्योंकि प्रैक्टिकल हो गया कि किसी के पास टाइम नहीं है पूरा कंटेंट पढ़ने के लिए, सब कोई फास्ट हैंड डिसीजन लेने चाहते हैं, तो इसमें किस चीज के लिए है वो लिख सकते हो। लेकिन इसमें वो चीज भी है कि ऑक्सफोर्ड वाले ये सब्जेक्ट को हटाने शुरू कर दिया है, सब्जेक्ट लिखते नहीं है, मान लो उसको सब्जेक्ट मान के चलते हैं पहला दो लाइन को, तो तुम जैसे हैबिटुएट हो कॉन्फिडेंट हो उस तरफ से लिखो। लेकिन मेरे को पसंद आया कि मैं कहीं भी लिखता हूँ आजकल, तो आजकल पहले मैं भी एक पैराग्राफ लिखता था, पहले वो किस चीज़ के पर्पज क्या है उसको मैं लिख लेता हूँ, एक दो लाइन में पर्पज को मैं लिख देता हूँ, उसको डिटेल आता हूँ क्यों चाहिए क्या चाहिए कब चाहिए कहाँ चाहिए, ठीक है।
तो देखो क्या लिखा है, दिस इज टू रिक्वेस्ट यू, ठीक है, टू प्रोवाइड, ठीक है, दिस इज टू रिक्वेस्ट यू, ये आपको अनुरोध करने के लिए लेटर लिखा है, दिस इज टू रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड सैनिटाइजिंग आइटम्स और मटेरियल्स along with the personnel, ठीक है, सर पर्सनल अलग होता है, पर्सनल अलग, पर्सनल टू टाइम्स, ठीक है, पर्सनल लिखे हैं, पर्सनल, पर्सनल नहीं है, पर्सनल आदमी, आदमी मतलब अधिकारी, अधिकारी मार्केट जो चाहिए तुम्हें, अब ये क्यों लिख रहे हो, यू हैव टू राइट द पर्पस, क्यों तुमको जरूरत पड़ गई कि तुम लोकल मार्केट और सैनिटाइजेशन की बात कर रहे हो, यू हैव टू स्टेट ऑल दिस थिंग्स इन अनदर पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ, हां ठीक है, बी उनको कंसाइज में पढ़ना है, उनके लिए तुम पैराग्राफ्स नहीं लिख सकते हो, उनके पास टाइम नहीं, दे डोंट हैव टाइम टू रीड द एंटायर कंटेंट, जितना शॉर्ट में हो टू द पॉइंट लिखो, ठीक है, ऑफिशियल तो दो ही पैराग्राफ लिखते हैं सर मेनली, हां तीन, तीसरा वाला लास्ट पर सर, वर्ड तीसरा वाला जोड़ सकते हैं सर, शॉर्ट में लिखेंगे तो वर्ड लिमिट फुलफिल कैसा होगा, नहीं नहीं शॉर्ट बिल्कुल हो जाएगा, 80 वर्ड में क्या नहीं हो जाएगा, फिर गिन लो 20 20 अरे सब्जेक्ट से वर्ड गिनते हैं, ठीक है, वर्ड सब्जेक्ट से यहां से कितना हो गया, 20 से ज्यादा हो गया होगा, 10 तो पहला नहीं, 18 20 तो हो गया, और 50 60 तो इधर नीचे तो और 10 15 आ जाएगा, अब बीच में क्या लिखोगे, हो जाएगा क्या लिखेगा, द वीकली हैं लोकल मार्केट ऑफ आवर टाउन नीड्स, ठीक है, रेगुलर sanitization as क्या लिखोगे, so many people, ठीक है, gather around a small space in overcrowded areas. नहीं नहीं area small है, नहीं overcrowded condition, ठीक है. During this pandemic. It is the demand of the situation. अपनी बात नहीं लिख रहे हो, ठीक है? Public के लिए लिख रहे हो. It is the demand of the situation to sanitize the area. Before and after the market, ठीक है, to avoid after the market time, to avoid spread of the disease, yes, ठीक है, avoid the spread
ऑफ द डिजीज। ठीक है, अब ज्यादा कुछ नहीं, बाकी सब जानते हैं वो कितना लिखना है। अब थर्ड पैराग्राफ में नेक्स्ट में क्या लिखते हैं, तो हेंस आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड योर सैनिटाइजिंग पर्सनल अलोंग विद सैनिटाइजिंग आइटम्स, ठीक है, फॉर आवर सेफ्टी एंड बेटरमेंट एंड ऑब्लाइजर्स। ऑस लिखो, ठीक है, सो दैट वी विल बी हाईली ऑब्लाइज, हाईली ऑब्लाइज लिखो, लिखो जगह नहीं है, so that we will be highly obliged. Studies के लिए sir, hence. Hence, I request. Yeah, we request next to. Hence, तो common thing sir. हाँ, sir का signature बना दें। क्योंकि तुमको address दे दिया है question में, I request लिखो। तुमको लिख क्या, your resident लिख दिया है question में? हाँ, your resident. But hence I request you on behalf of लिख सकते हो। क्योंकि तुम सबके लिए लिखो। Hence I request you on behalf of the local resident. हाँ, local society की बात, बहुत society बोलते इंडिया को समझ में। हाँ, you on behalf of the local resident. To take appropriate measure भी लिख सकते हो, to take appropriate measure by providing sanitizing personnel along with the sanitizing item for maintenance of cleanliness and hygiene. To take appropriate measures. To take appropriate measures to sanitize लिख दो ना, पर ज़्यादा मत बोलो। To sanitize the area. The area for our safety and betterment, for our safety and betterment, जो भी तुम्हारा idea है, safety and betterment, and oblige. आप बोलते हो यू एंड यूज़ के लिए क्या है, तो क्या बोले थे सर आप message में? Your views. Group में जुड़े तो नहीं, क्या क्यों बोले? अरे तू जगह का experience क्या क्या करेगा? अरे practical तो लिखना है ना। वो तो letter to editor में, wherever you like writing letter to editor, always writes in such a way that you have experienced the problem. Condition से तो ऐसा नहीं है कि डोंट कोई पूरा आर्टिकल मत, आर्टिकल ऐसे मत लिखो कि तू सोच सोच के लिख रहा है, वहां से कंडीशन आया यहां से, सुनो तुमने ऐसे जैसे तुमने वाकई में यू हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस वैसे लिखो, जेन्युइन प्रॉब्लम लिखो, रियलिस्टिक लगे, प्लेसेस जगह का नाम लिखो, पर्सन का नाम लिखो, कोई इवेंट हुआ तो इवेंट का नाम लिखो, कुछ केसेस आए तो केसेस का नाम लिखो, कितना केसेस हमारे यहां कोरोना हो गए हैं इसकी वजह से, फॉर सेफ्टी एंड बेटरमेंट एंड वी विल बी हैली ऑब्लिज्ड। ठीक है, अब यहां नेक्स्ट पैराग्राफ के बाद थैंक यू फिर योर्स फेथफुली, दूसरा कुछ चलेगा नहीं, एस में बिल्कुल कोई अपोस्ट्रोफ नहीं देना है, एफ कुछ इसी से क्लास आया क्वेश्चन, योर्स फेथफुली कैसे होगा, क्या क्या ग्रामर में क्वेश्चन आया था, योर्स फेथफुली में कैसा लगेगा, योर्स ओबीडिएंटली आया, ठीक है, योर्स फेथफुली संदीप ठीक है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको बंद करते हैं, बाकी का डिस्कशन आगे जा रहेगा, ये ऑनलाइन वालों के लिए है।